हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका फोर्थ का वन है और इसमें कह रहा है कि एक वेक्टर है वी आर थ्री आर में, वो इनके वेक्टर स्पेस बनाया है आपका। फाइंड ए सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, आपको बताना है कि एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ओ वेक्टर स्पेस का विच कंटेन्स, जो रखता हो वेक्टर वन वन वन, जो अपने अंदर वन 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 वेक्टर रखता हो। तो फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं यहाँ पर, लेट कर लेते हैं एक सेट एस। और फ्रेंड्स, एक सेट ऐसे लेट ऐसे करते हैं जो आपकी दो बातों को सेटिस्फाई करता हो। नंबर एक, वो एल आई होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दूसरा, वो कह रहा है क्वेश्चन में कि आपका जो सेट एल आई हो उसके पास 1,1,1 मेंबर होना चाहिए, ये एलिमेंट ज़रूर हो। तो क्यों ना मैंने एक सेट ले लिया है, ये सेट मैंने चलो यहाँ पर वी ले लेता हूँ, वी कोस टू मैंने, यानी कि वी इज इक्वल टू 1,1,1। एक सेट ले लिया है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है। फ्रेंड्स, सिंगलटन सेट जो होता है और नॉन जीरो एलिमेंट हो वो तो एल आई होता ही है। और चेक कर लेते हैं इसको, लेट कर लेते हैं एक मेंबर फील्ड का, फील्ड भी हमारी आर से बिलोंग करती है, तो हमने सच दैट ऐसे ले लिया कि ए वी का मल्टीप्लीकेशन ज़ीरो, तो ए वी की वैल्यू 1,1,1 इज इक्वल टू ज़ीरो। देखिए, जो आपका मेंबर है वो तो ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए, आपके पास ए की फील्ड का मेंबर था लीनियर कॉम्बिनेशन में, वो रिज़ल्ट आपका ज़ीरो हो गया। तो आप कहेंगे कि एस इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्वेश्चन का एक पार्ट जो था लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए, वो आपने दिखा दिया। अब देखिए, वो कह रहा है कि आपको जो सेट है एंड कंटेंस रखता है एंड कंटेंस वैक्टर 1,1,1, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, जो हमने सेट अपना लिया है उसमें ऑलरेडी क्या है, 1,1,1 पहले से कंटेन है, तो आपकी जो शर्त है वो पूरी हो चुकी है। जो हमने लेट सेट लिया ना, तो रिक्वायर्ड सेट, जिस सेट की उनको ज़रूरत थी वो सेट आपने निकाल दिया। रिक्वायर्ड सेट एस इज इक्वल टू 1,1,1 के हिसाब से, ठीक है सर। फ्रेंड्स, अच्छा, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आप जो हैं दो सेट ले लीजिए, दो एलिमेंट ले लीजिए सेट के अंदर। जैसे आपने एक ले लिया 1,0,0 और दूसरे मेंबर ले लीजिए 1,1,1, ठीक। अब हम चेक करते हैं ये एल आई है या नहीं, डन। तो हमने दो मेंबर ले लिए और दोनों मेंबर की मल्टीप्लाई हमने नॉन ज़ीरो नंबर से कर दी है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर बन जाएगा ए, फर्स्ट अंदर एंटर करा दिया हमने यहाँ पर, ऐसे बी को एंटर कराएंगे, बी बी और बी बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपने ए प्लस बी फर्स्ट को ऐड कर दिया, बाकी सारे रिजल्ट आपके इस तरीके से रहेंगे। इधर जो वेक्टर होता है फ्रेंड्स, एक्चुअली ये भी आपका ज़ीरो वेक्टर ही होता है। कंपेयरिंग करेंगे तो फर्स्ट वाले के फर्स्ट वाले के साथ, सेकेंड वाले को सेकेंड के साथ, तो बी बराबर आपका ज़ीरो हो जाएगा। ए प्लस बी भी आपका ज़ीरो है, जब बी ज़ीरो हो जाएगा तो आपका ए टर्म भी, ए एलिमेंट भी ज़ीरो हो जाएगा। इस तरीके से आप देखिए, ए और बी दो वेक्टर, दो स्केलर नंबर लेके चले थे फील्ड के आप, और दोनों आपके क्या हो गए, ज़ीरो। तो आप कहेंगे कि एस इज़ एल आई है, ठीक है। अच्छा, देखिए दूसरी बात, उस सेट के अंदर ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है एंड 1,1,1 जो वेक्टर्स है कंटेंड, ये वेक्टर कंटेंड है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से आप फाइंड करेंगे।